नहीं वाली सुबह सुबह दिमाग तो खराब करो मत, अगर फिर किसी ने बात कही ना तो खाल खींच के ढोल बना देंगे और बजाएंगे बड़ी जोर से। सो रेडियो सिटी 91.1 एफएम पे मेरा नाम हर्षित है और मैं टकाटक मुंबई होस्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरा दोस्त पुलकित मिसिंग है बिकॉज मुन्ना भैया से उसको डर लगता है। हम सारे लॉन्डो ने मिल करके बेंच वॉच किया है, चार लड़के हम रहते हैं साथ में और मुंबई में बनारस बनाया है हमने। बहुत बहुत स्वागत है मुन्ना भैया, भाभी आपका नाम ले सकते हैं, पता नहीं दो खतरनाक भैया बट अली बहुत बहुत स्वागत है आप लोग को। जबरदस्त मतलब हैशटैग रिस्पेक्ट वाली बातें जो है वो मिर्जापुर के लिए सुनने को मिल रही है। एंड आई एम सो अमेज्ड कि आपने तो गालियों में भी एक्शन पकड़ा हुआ, गालियों में भी एक्शन पकड़ा हुआ। ये बात वही लौंडा कर सकता है जो लखनऊ से हो। मेरे उनमें तीन चीजें कॉमन है, पहला मैं लखनऊ से हूँ, हमारा सेम जो मंथ है वो बर्थडे मंथ वो भी सेम है, और तीसरा हम दोनों हैंडसम है। सो भाई ये जो आई एम श्योर क्योंकि आपके लिए ये पकड़ना एक्सेंट और ये सारी चीजें शायद उतना मुश्किल नहीं था जितना दिव्येंदु के लिए था या फिर जितना और सारे कैरेक्टर्स के लिए था, क्या जब आप ये स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे? नहीं था, इन द सेंस कि यार वो जब आपको एक्सेंट एक आता है ना और उसमें अगर कोई बताए कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा नहीं, वो ज्यादा हार्ड होता है। आई मीन आई फील फॉर मी बिकॉज आई लाइक वर्किंग विद एक्सेंट्स, तो वो थोड़ा सा थ्रू मी ऑफ क्योंकि बनारस और मिर्जापुर दैट होल बेल्ट थोड़ा अलग ले जाए, हल्का सा, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स बदल जाते हैं, बहुत नुआंसेस। वो तो अगर आप रोजमर्रे की बोल रहे हैं और तो आपको वो देन यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑल द टाइम। तो मैं बार बार पुनीत कृष्णा के पास भागता रहता था जो हमारे राइटर हैं, और उनसे पूछते रहे, सभी हम लोग जाते थे कि ये सही है ये कर सकते हैं, भोकाल नहीं बोल सकते, भोकाल है बनारस में, जब हमारा भोकाल ही होती है, हम वहाँ डब्ल्यू हटा दो वो होता है वहाँ पूरे बनारस के एरिया में, तो छोटी छोटी नुक्ते बहुत जरूरी हैं वहाँ के, तो वो वी ट्राई जितना पुल ऑफ हो सका हुआ। बट आपके साथ तो भाई मतलब अलग लेवल है भाई, कितनी गुंडागर्दी करते हो यार। क्या इतना आपने कॉलेज टाइम पे किया कुछ, इसका 1% भी किया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। नहीं नॉट रियली, मुन्ना तो बहुत वायलेंट आदमी है यार, हमारी तो वैसे नॉर्मल लड़ाई होती थी स्कूल में, जो हाथों से कभी औजार नहीं उठाए तो लड़ने के लिए, तो जितना लड़ा फ्री हैंड्स लड़ा हमेशा, पिटाई खाई है औजारों से बट खुद कभी किसी को मारा नहीं। किससे किससे मार गया? मैं बेंच से गया हूं, कभी मैं विकेट्स, हमारी विकेटें उखाड़ के हमें मारा गया। भाई आपका भी मैच आपने कोई हारा हो और सामने वाली टीम दबंग और उसके बाद लेके बल्ला भागे हो? अबे उसकी जरूरत भी नहीं थी, कॉलविन के लड़के पहुंच जाते थे। सो मेरे लखनऊ के जितने दोस्त आ रहे हैं सब लोग समझ जाएंगे कॉलविन के लौंडे क्या होते हैं, वैसे ये अलग बात है भाई। लेकिन भाभी जी आप तो मतलब फुल बैंड्रो गर्ल, यू नो लाइक ऐसा बैंड्रो गर्ल कहां से, ये तो आपने कॉम्प्लीमेंट नहीं है ये, ठीक है, शायद बैंड्रो गर्ल वुड बी द रॉन्ग थिंग टू से अबाउट स्वीटी बिकॉज़ अ बैंड्रो गर्ल वुड बी लाइक बैंड्रो। नहीं बट स्वीटी इज ऑल एक डिफरेंट कैरेक्टर। मैं बांद्रा में रहता हूँ फर्स्टली, सो देयर इज नथिंग लाइक बैंगलोर फॉर द सेक ऑफ अ स्टीरियोटाइप वी आर जस्ट सेइंग, यू नो। और ये वहाँ नहीं रहती है बट इनके दोनों मॉम एंड डैड मराठी रंगमंच एंड फिल्म जगत के, वो तो शी इज वेरी रूटेड दैट वेज यार, माय बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू यू। तो आपके खून में ही है। सो आपके लिए कैरेक्टर कितना, और जो आपका कैरेक्टर है यार उसके बहुत सारे शेड्स हैं, सो एट द सेम टाइम आपको लगता है कि यू नो मुन्ना कर तो सही रहा है लेकिन जब इनके पास वो सारी चीजें कैसे दिमाग में चलती हैं, और जब आप ये क्या आपने कोई वर्कशॉप करी थी या कुछ तैयारी करी थी इसके लिए? As he said कि पुनीत जी के साथ हमने वर्कशॉप्स किए थे because मैं थोड़ा कॉन्शियस थी अबाउट हाउ आई माइट साउंड, एंड आई थिंक फॉर एवरी कैरेक्टर सबको एक यूनिवर्स का बनना था, वी कांट इवन यू नो वी डोंट इवन वांट टू साउंड वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ आवर डायलेक्ट, हल्का फुल्का। सो मैं वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करके पुनीत जी को भेजती थी, तो फॉर मी और वो वहां से बोलते थे आई लव यू टू, उनके वॉइस नोट्स ऐसे होते भैया बहुत अच्छा, मुन्ना भैया को बहुत दर्द है अभी तक दर्द। हां नहीं पर मतलब आई थिंक जब मैंने वो किया एंड व्हेन आई वुड एक्ट परफॉर्म विद देम और मैं इन्हें सुनती थी एंड व्हेन आई यूज्ड टू लिसन टू देम देन आई वुड आल्सो पिक अप थिंग्स फ्रॉम दैट एंड आई थिंक फॉर मी वन ऑफ नाउ यू जगत भाभी भाभी मेरे nobody saying कि श्रिया या कुछ और नाम भाभी के नाम से ज्यादा लोग बुला रहे हैं। आपने फिर मेरा इंस्टाग्राम डीएम नहीं देखा भाई क्योंकि वहां पर से भाभी तो कोई नहीं बुला रहा है यार, डीएम कैसे कोई देखेगा मुझे भाभी कोई नहीं बुला रहा है। ओके
नहीं बट वो तो यार नहीं बताते इंस्टाग्राम के फैंस भी अलग है आपके बट भाई आपका भी अभी मैंने आपका पोस्ट देखा जो जैकेट पोस्ट आपने लास्ट डाला था किसी ने भाई इनका नाम लिखा ही नहीं आप देखो तो आपके कैरेक्टर्स के नाम ये आपके लिए कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है यार सीरियस पता है आई एम सो हैप्पी दैट नाउ so called layman is talking only in terms of performance yes. this is what everyone on Twitter and on Instagram just saying one word for everyone nice performance what characters so you know abhi wo cheez na log samajhne lage ki characterization ek cheez hoti hai aur performance ek cheez hoti hai unko sarahaya jata hai rather than this thing ha they are going mad about munna sweetie guddu they are doing that lekin they are making sure that they are talking about your performances nuances के बारे में बात कर रहे हैं आपने इस सीन में ऐसा किया वैसा किया That's, I really want to say thanks to all, man. ये for us actors, for us artists, ना ही बहुत जरूरी है कि आप सरफेशियल तौर पे ही एक चीज को ना सराहें और जब आप एक नीचे लेयर में जाते हैं और आप बोलते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि जो हमने कोशिश करी थी कैरेक्टर में लाने की someone is actually reading it. So is there any kind of compliment जो आपको पढ़ के बार बार ऐसा केकार हो रही है यार इसने बोल दिया यार बहुत तेरे यार बहुत तेरे मतलब पेट भर But any personal comment like कि आप किसी को admire करते थे इंडस्ट्री में किसी ने बोला हो या कुछ ऐसा my uncle called my aunt she said but this is not even the show trailer तुम दिख नहीं रहे हो वो it's not that was bang on तुम दिख नहीं रहे हो and फिर मैंने बताया मैंने I had to describe गुड्डू to her and then she understood that's me because the look was like they know but they haven't seen me like that और वो थोड़ा तो क्या but then the second question was इतना गुस्सा हम क्या what happened childhood issues या क्या pent up है क्या है इतना मतलब I don't know. For me, that was a big compliment, and especially my mama, who I based a lot of this character on, whose actually name is Guddu, and there is a Bablu, his brother. So, for me, it was a big compliment when he called and said, "Yar." Somebody said कि यार सबका एक अलग-अलग नाम है जैसे गजगामिनी गुप्ता तो उनको गोलू बुला रहे हैं श्रिया का कुछ नाम नहीं है सुरांगिनी so हाँ तो वही मैंने कहा कि यार वहाँ पे ना यही नाम पे लोग जिंदगी काट देते हैं गुड्डू शुक्ला इज गुड्डू शुक्ला ठीक है पंडित इज पंडित सो आपके लिए वही कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा था तो आपको किसी से ऐसा कॉम्प्लीमेंट वैसे तो आपके घर में ही कॉम्प्लीमेंट आ जाए मुझे लगता है वही बड़ी बात है नहीं आई थिंक इट्स बीन वेरी ओवरवेलमिंग स्पेशली बिकॉज मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था बिकॉज ऑब्वियसली कहानी ड्राइव ये कर रहे हैं तो आई न्यू कि हमारा एक रिफ्रेशिंग प्रेजेंस है गोलू मेरा एंड यू नो रसिका ऑब्वियसली शी हैज अ फैंटास्टिक ट्रैक पर लोग इतने मतलब बहुत इन्वेस्टेड हैं इवन इन आवर स्टोरी लाइन प्लॉट लाइन आई कांट स्पीक अबाउट द कॉम्प्लीमेंट विदाउट गिविंग अ स्पॉइलर सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द कॉम्प्लीमेंट बट आई वुड से दैट पीपल रियली फेल्ट फॉर दिस यू नो द रिलेशनशिप द केमिस्ट्री जस्ट ये भी बहुत लोगों ने बोला कि एक बार जाती है आलू पार्टी मुन्ना थोड़ा ह्यूमन है जिस लड़की से प्यार करता है उसको ये नहीं कि बैठो जीप में और चलो हमारे साथ उसके लिए वो बॉय नेक्स्ट डोर है कि प्लीज चलो अच्छी टाकी चलो पॉपकॉर्न खाओ इट्स वेरी क्यूट है मैं और भी क्यूट हूं इनफैक्ट सॉरी आई एम गोना बर्क स्टॉप आई हैड अ क्वेश्चन टू यू राइट तो welcome to RJ cameraman anyway I wanted to ask why was it like a thing like a director's thing to be from day one from dialogue one to be just like denying this man or to somewhere क्योंकि somewhere be like okay I acknowledge but boss कायदे से समझा के कि यार नहीं है ना नहीं है I'll tell you what because every time it's been like a I mean that's a personal choice or a director's choice. But that also happens because the first time you see Sweetie and Munna together is when isne bawal kiya. So he comes when wo mere haan. Hello. To ye jab inke ghar pe aake maarpeet karte hain, agle din main Munna ko milti hu, to mera wo angst hai ki tumne bahut kuch bawal kiya hai, to movie dekhna is out of question anyway. So it starts on that. Perhaps if you would have seen a scene before wherein they're just a normal setup without anything, she would have just hazi mazak mein ek do cheeze baatein karti hoongi. Okay, fair enough. Fair enough. Dil nahi pighla, matlab aisa halka sa bhi. अबे नहीं पिघला ना वो उसमें लिखा नहीं है ना पिघलने का कट्टा वट्टा तो नहीं लगा आई थिंक स्वीटी हैज ऑलवेज बीन क्लियर कि
से यही चलते ओके सो देखिए बहुत ही क्लियर थी है बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम हर्षित है लेकिन मेरे नाम के आगे अगर ए लग जाए तो इतना खूबसूरत कोई हो जा रहा है हर्षिता हमारे साथ है एक बार जोरदार ताली के साथ इनका स्वागत है और आपका किडनैप मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्यों अरे मतलब अभी बोलो ठोक देते हैं लोग बहुत ज्यादा मुन्ना 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 टेप कट जाएगा हाँ ये ऐसे ही तो है शो बट आपको कितना अभी हमने सारी चीजें डिस्कस करी कि एक्सेंट पकड़ने में भैया को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी बट क्या आपके साथ तो मेरा बहुत इजीली हो जाएगा मैं तो मिर्जापुर मतलब जाती गई हूँ पहले और गई है आप मिर्जापुर हाँ लेकिन एक्चुअली मुझे डिफिकल्ट लगा मतलब आई यूज्ड टू कॉल पुनीजी ऑलवेज क्या क्या एक एक लाइन बिकॉज़ इट सीम्स इजी बट इट्स नॉट इजी मैं बहुत टाइम तुम्हें देखता था मतलब फुल आई मीन सम टाइम्स टू सॉरी नॉट ताको चुप हंसू ऐसा भाई नो पॉइंट नहीं मत नहीं ताकना होता है कि स्टेयरिंग नहीं वो नहीं मैं कह रहा था आई यूज्ड टू ट्राई एंड पिक अप बिकॉज़ आई रिमेंबर यू टेलिंग मी कि यू आर फ्रॉम दैट होल बेल्ट नो बट फ्रॉम दैट एज इन माय नाना जी इज फ्रॉम दैट बट आई हैव नॉट लाइक लिव्ड देयर एंड यू नो हैव कन्वर्सेशंस तो मेरा आप कहां पे बड़ी हुई हैं आप दिल्ली दिल्ली प्रॉपर दिल्ली प्रॉपर दिल्ली सो नो नॉर्थ कनेक्शन या कुछ ऐसा व्हाई ओ नहीं मतलब गुड दिल्ली इज सेंटर तुम भी दिल्ली हो ना ओह एक्टर जहाँ से आता है वो बहुत सारी चीजें लाता है तो खाने में अली भाई ने कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस किया आपको इन्होंने एक बार कुछ तो स्वीट बना के खिलाया था ना वो बिस्किट डाल के चॉकलेट डाल के इट वाज वेरी नाइस क्या खिला दिया भाई मारे बोल के पंडित हाउस था एंड आई मेड चॉकलेट ऑन सेट क्योंकि मुझे अलाउड नहीं था कुछ खाना तो मैं बना रहा था तो ये सब चीजें हाँ तो आई मे आई या आई कैन मेक हैव यू सीन योर मीम्स लाइक पता है मतलब एक तरफ आपने भी खैर शेयर किया कल मैंने देखा स्वीटी स्वीटी बट एक मीम मैंने देखा जहाँ पे स्टेरॉइड को नो ठीक है अली की फोटो लगी हुई और नीचे माँ का दूध रखा हुआ यस सो हैव यू सीन ऑल दिस मीम्स यार मीम्स तो कमाल है Have you seen your memes? Like, हाँ मैंने काफी देखे वो थे एक तो है कि एक में एक बंदा क्या से क्या हो गए देखते देखते लिक्विड्स और उसका लगा है मैं आपको बताता हूँ सो एक बंदा जिसने फ्लश नहीं किया नीचे लिखा हुआ मुन्ना मुंह मुन्ना ही साफ करेंगे मतलब इतने बहुत सारे हैं और वो प्राउड फील होंगे आप इसी बात सुबह सुबह जब टीचर तुम्हें सरप्राइज टेस्ट बोले तो तुम बोलते हो कि देखो सुबह सुबह मूड तो खराब करो वो वाला आया हुआ है बहुत सारे यार बहुत सारे देखे अली ने वो भेजा एक मुझे इतना सारा टाइम एक साथ आपको पता है एक केमिस्ट्री हो जाती है जैसे मैं आपको बताता हूँ एज ए कंज्यूमर मैं बता रहा हूँ मैं मेरे तीन और दोस्त हम अब हमारे जो अभी वो बात बोल रहे थे कि यार ये बताओ सो मैं आपको बताता हूँ मेरे फोन में मेरा एक जो कोजॉक है वो मेरे साथ ही रहता है उसका नाम पुलकित है ठीक है तो हम लोग जब भी कोई सीरीज देखते हैं मतलब रहता है एज यू एक्चुअली हम साथ में रहते हैं साथ में शो करते हैं हमारी जिंदगी साथ चल रही है और दोस्ती भी मतलब पहले से थी पहले से थी पहले से थी सो नाइस यार सो हम लोग वो कानपुर का है मैं लखनऊ का हूँ और हम लोग यहाँ पे शो करते हैं टकाटक मुंबई तो हम जब भी कोई सीरीज देखते हैं तो हम एक दूसरे का नाम वो सेव कर लेते हैं सो मैं मुन्ना हूँ अभी अच्छा वो गुड्डू पंडित है सो हम एक दूसरे का नाम इससे पहले हम एक पसंद आई है टशन वाली बात सो ये जो है क्या आप लोग भी ऐसा करते हो आपस में कोई जोक चल रहा है जैसे वो अभी सीरीज वाले क्या ऐसा कुछ होता है आप लोगों का भी कुछ है यार हालांकि पता है मिर्जापुर शूट के बाद हम इतना थक जाते थे ना यार बहुत मेहनत थी ये शो शूट करने में और हम लोग काफी अलग अलग भी शूट करते थे हमेशा एक साथ नहीं करते जैसा आपने देखा होटल में मतलब उसके बाद जस्ट सिट फॉर यू नो सम टाइम एंड जस्ट मुन्ना भैया का रूम तो रिलैक्स हाँ बताओ ना रूम इनका रूम वाज़ द पार्टी रूम तो आफ्टर पैकअप वी वुड
चिल वहाँ. एक्चुअली श्वेता एंड आई हम मतलब मजाक करते हैं बिकॉज ऑन मिर्जापुर में हमें कभी हमने मुन्ना भैया ऐसा किया नहीं, बट ऑफ कैमरा वी आर बिग फैन. वी नो अली पहले से, बट वी वर लाइक बॉन्डिंग विद दिवेंदु द फर्स्ट टाइम एंड वी वर लविंग एवरीथिंग दैट वी वर सीइंग. तो गोलू एंड स्वीटी ऑफ कैमरा वुड बी लाइक मुन्ना भैया मुन्ना भैया. आई रिमेंबर वो वाला जो लास्ट क्लाइमिंग सीन करे थे व्हेन योर एंट्री वाज देयर, बोथ ऑफ देम केम अरे मुन्ना भैया को देखना है, बैक बिहाइंड द स्क्रीन एंड हम बैठ के मुन्ना भैया को देख रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं. और ये भी हुआ था दैट अ लॉट ऑफ अस मतलब हमारे सीन्स would be specifically मतलब the Pandit Tripathis and Guptas would have उनका उनका अलग अलग चल रहा है, so we would look forward to shooting with each other. वही मैं देख रहा हूँ कि आप लोग का जो acting का भी है, मतलब आप लोग इतने बड़े और इतने एक तो आप खुद में इतने खतरनाक एक्टर हो, so especially हर्षिता मेरे को आपसे ये पूछना है कि जब भी आपके सामने ये खड़े होते थे या ये खड़े होते थे, यश क्या नहीं थे वरना मैं शायद बहुत ज्यादा डर जाती हूँ, उनके साथ कोई सीन नहीं हुआ. लेकिन आई रिमेम्बर बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन दिस पीपल ऑन स्क्रीन, मैं कभी किसी से मिली नहीं थी, एक से भी नहीं. तो आई रिमेम्बर फर्स्ट टाइम हम लोग मिर्जापुर में जब वाराणसी में जब शूट करने जा रहे थे और मेरा पहला सीन था और मुझे अली से मिलना था, तो मुझे थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आई कि प्रॉबेबली आई फील इंटिमिडेटेड इन फ्रंट ऑफ हिम, या मैं बहुत नर्वस थोड़ी सी थी, मैं वैनिटी से बाहर निकली एंड मुझे लगा कि ओके अभी सीन है अली के साथ, लाइक फर्स्ट हमारा एंट्री सीन. बट ही केम एंड ही हग्ड मी, आई फेल लाइक हम लोग बहुत टाइम से फ्रेंड्स हैं, और तो वो डिम्पी और वो मतलब आई स्टिल रिमेंबर आई लिविंग यू यार, मतलब यू नो एवरी कैरेक्टर, बिकॉज़ माइन वाज द लास्ट एंट्री ऑन द शो, आई गॉट वेरी लेस टाइम टू लाइक प्रिपेयर और प्रोबब्ली हैव मी. No, mine was last. Balls. अरे mine was last. Dimpi got replaced also. ये edit कर देना. Works for me. This. Nice, yeah. I didn't know that. Yeah, I was the last one. So I had very less time. तो मेरी किसी से कोई interaction नहीं हुई थी set से पहले. सीधा set पे. And जो मैं सोच रही थी वैसा नहीं हुआ. I mean, I was very very comfortable once I met these people. And you know, I think we really didn't even have to try. We just got along so beautifully. Yeah, you had to try. That, you know, he's like, I had to try. No, he's saying he had you to had to try. Not with us, as in not with actors. Ki wo try nahi tha. No, I know. I'm talking about actors. Haan, but acting mein bahut. But as in like, you know, sometimes you were working with actors jahan pe you might not hit it off instantly, but yahan pe in Mirzapur we really have matlab zyada hi kuch zyada hi pyar hai, and you know we really do, I noticed we do root for each other. Aise there's no insecurity, one up matlab aise kuch nahi hai, you know, we're as excited about their scenes as it's all about reaction also na, ki aap jo kar rahe ho aur samne wala react itna gazab kar raha hai ki aapka bhi ek reaction nikal gaya. But that's very important, you know. I think in fact Pankaj Tripathi ne aapki bahut tareef kari, aapki bahut tareef kari, nahi unki bhi hum tareef kar rahe hain, कमी है, लेकिन इट्स नाइस ना व्हेन द एक्टर विद यू ऑपोजिट यू इज बेटर और गुड, इट मेक्स योर जॉब इजी एक्चुअली, व्हिच अ लॉट ऑफ एक्टर्स डोंट थिंक, तो वो आसान हो जाता है काम और निकल के अच्छा आता है. जैसे कुलभूषण जी हैं, मेरा एक सिर्फ है उसमें पूरे उसमें, यू नो इट्स अ लुक थिंग विद हिम, ही कम्स एंड ब्लास्ट. मैं इतना उस दिन, मुझे थोड़ा सा पहली दफा हुआ, किसी से आज तक नहीं हुआ, बट कुलभूषण जी आ रहे हैं ऊपर, वो भी स्टेज पे, मतलब वो उस पे थोड़ा ऊंचा था, ऊंचा था, अब वो आके कुछ बोलते हैं, तो मैं सोच रहा था यार क्या करें, क्या करूं, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा. वो इतना ब्यूटीफुली, बहुत फनी इंसिडेंट था, क्योंकि वो पूरा सीन डाइल्यूट हो गया. उनकी जो वो है वो साली, वो एक जगह जाती नहीं थी, अब यहाँ ए टू बी उनको पहुंचना है सीधा, यू नो बिल्कुल ऐसे डॉट, अब वो जा रही हूँ 360 हो गया, और मतलब 9 टेक लगे यार उसमें, 9-10 में जाके ऐसे पहुंच गया, फाइनली एक तो मिला लास्ट में, पहुंच गया, कहने लगा पहुंच गए सर लाइन लीजिए, फिर से किया ऐसे 3-4 टेक. बट नहीं, बट हाँ यार उनमें बात है, मतलब उनमें बात है, वो अच्छा, मुझे अच्छा लगा था कि ये दादा प्ले कर सकता है थोड़ा सा, हम बोल सकते हैं यही है यही है. तो वो तुम्हारा वो वाला क्या था ना, कि मुद्दा ये नहीं कि तुमने क्यों किया, मुद्दा ये है कि किससे पूछ के किया. बहुत बढ़िया, इज दादा यार.
बट मुन्ना भैया एक और कोई अपना डायलॉग बोलो उनकी तरह प्लीज, बड़ा मजा आएगा मेरा डायलॉग उनकी तरह. ओह नाइस. वाले सुबह सुबह दिमाग को खराब करूं मैं, अगर फिर किसी ने बात कही ना तो खाल खींच के ढोल बना देंगे और बजाएंगे बड़ी जोर से. What is your take back? मतलब ऐसा होता है as an actor when you play something, तो आपका कुछ take back होता है? मतलब तुम कुछ मत ले जाना. Take back लेकर गए तो मैं इतना और क्या ले जाएं take back. But as in लेकिन ना ये डार्क कैरेक्टर जब आप प्ले करते हैं और अगर आप ईमानदारी से प्ले करते हैं तो इट टेक्स अ टोल ऑन, और वो बड़ी सीधी बात है, वो होता ही है आपको. और टुवर्ड्स द एंड मतलब मुझे ऐसा हो गया था कि अच्छा अपना बंद करो शूटिंग, मतलब बहुत हो गया और कई कब ज्यादा हो जाता है. मैं रसिका से बोल रहा था, रसिका नहीं मुझे मुझे तो याद भी नहीं था, रसिका ने मुझे याद दिलाया कि मैं एक दिन उसके पास गया और उससे बोला कि यार ये ना बहुत ज्यादा हो रहा है. एंड इट हैपेंस यार, और स्पेशली मतलब सभी के हमारी डार्क, अली और मेरा तो खैर है ही बहुत ज्यादा, बट एट टाइम्स ना इट बिकम्स, इट्स नॉट ईजी टू किल समवन. मतलब आपको थोड़ा सा भी जब आप थोड़ा सा दूर करते हैं तो शुरू में मैं एक इंटरव्यू में बता रहा था कि जब आप पहली बार गन उठाते हैं इट फील्स नाइस, गन गिव्स यू पावर एंड यू फील एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आता है आप में एक वो, बट वंस यू डू इट ना वो इट्स इक्वली डिस्टर्बिंग. इसको करने में इतना मजा नहीं आता कि किसी को मार दिया और वो मरा पड़ा है, वो उस क्षण भर के लिए जब आप उसमें हैं, बट व्हेन इट हैपेंस अगेन एंड अगेन इट गेट्स प्रीटी डिस्टर्बिंग. सो it was very important for me to just take a break from Munna. I'm very happy with Munna, bahut mazaa aata hai, but it was very important also ki acha bhai ab thode din ke liye tum jao. jaise mujhe ek bari manoj bajpai ji ne bola tha ki jab wo koi aisa character play karte hain, fir ek character wo play kar rahe the aur uske baad usne bahut daadi thi unki, to fir unhone kya kiya ki ek din jab ye khatam ho gaya bole koi aur lena hai shoot ya koi aur take lena, le lu main ja raha hu, to wo chale gaye aur unhone pura daadi hatai aur uske baad bole ki ab main party karunga aur apne doston ke sath rahunga taki main normal ho jaun. So this is what I'm asking ki aapka especially jab aap thoda pagal ho jate ho I think like, no I know like especially from that killing thing na, wo scene mujhe hamesha yaad aata hai, that the first time we have our first virginity jiska naam hai, to wo those are two facets you see right there. Ki there's one who can't and really it's gut wrenching किसी भी चीज को, कोई जीवित चीज को मरते हुए देखना और आपकी आप ही गोली मार रहे हो, मतलब यू स्क्रूइंग विद बायोलॉजी, तो वो सब वो नहीं पचा पाता आदमी, नेचुरल आदमी. हमारे तो सब बर्बादी हो गई है पूरे वर्ल्ड में, बट वो दैट टेक्स अ टोल एंड टू बिगिन विद, बिकॉज़ देन जब हाथ खुल जाए ना तो फिर तो वो शो में तो फिर चलता ही रहा. बट दैट डे वाज रियली दोस टू डेज में करते हैं फिर करने में मजा आने लगता है. लाइक कंपाउंडर के साथ जो सीन था वो करके बहुत अजीब हो गया था, बहुत डिस्टर्ब हो गया था, मैं डिस्टर्ब हो गया, मेरा दिल बैठ गया था. एंड आई वाज लाइक मतलब लाइफ पे जब आप सवाल करने लगते हो, आई वाज लाइक कि क्या है ये, क्यों हो रहा है, और ये एंड आई नो हिम, पहले से भी जानता हूं अभिषेक को, तो justification in some of your scenes. What do you tell yourself? Then you're obviously not Ali and Divyendu, you're your characters. But it's very natural that when you're in your character, you try and say ki as that what would how would Shriya deal with this, you know? So in their scenes, especially when I was also watching, you know, it was so amazing for me to think about what must have gone in your mind. Sometimes you hate yourself because like I know that Ali would not do this. Yeah. I would not react like that, right. And that's such a battle in your head because you're suddenly doing your performing lines. But my जो सवाल जो मेरा था वो वहीं पे कि आप लोग को detach कैसे हो? मैं बताऊँ, I've got one. Sorry. Please. Because this really helped me. So with every project, this is my thing for some time. Okay. With every project, मेरा ना हंसना मत. मेरा एक BG है, जो background score. Okay. मेरे लिए music बहुत plays a huge part. So there's like a playlist of Mirzapur in on my phone. Nice. तो अच्छा तो Mirzapur project का एक अलग playlist है. हाँ मतलब मैं if I get on I know Victorian Abdul is a different like I had tracks on that and it's for me it's you know my little movie happening in my head.
That day I changed the damn music. Right. The climax was very tough for all of us, I would say. We shot the climax over 3 days. And I could sense the day that we were beginning the climax, I could sense everyone's energy. We were almost not looking forward to it, you know? Because it was just very hard for some of us more than the other. I went dubbing for it, and after dubbing for it, yeah. I sat there and cried for 10 minutes. Yeah, it was hard for us, and watching. I think... Yeah, I mean, in fact, even when for me, the victory of the show is the kind of messages that, you know, people are sending us, and they're really heartfelt messages which sort of tell me the connection they have with each character. It's not key with the leads or the people driving the story, but with every single character, you know. So that makes me very happy that Mirzapur has been able to do that and whatever. And the best part about web is ki jo hai wahi. जैसा है इंस्टेंट है तुमने अगर खराब किया तो जनता तुम्हारी और अगर तुमने सही किया बट वही मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ बिकॉज आपको मैंने ना जब शुरुआत में जब आपकी मैंने लिक्विड वाली सॉलिड परफॉर्मेंस देखी थी सो आई सीन यू कि यार आप उनमें से हो जो एक कॉमेडी सीन में भी ना एक्सट्रीम पे जाओगे और उसके बाद वापस आ जाओगे आप जैसे एक्टर्स मुझे ऐसा लगता है आपका दिमाग ना रुकता ही नहीं है कॉन्स्टेंट चलता रहता है खट खट यू अली एंड यू नो जो इस लीग के एक्टर्स होते हैं तो क्या ऐसा होता है हाँ यार बिल्कुल होता है और वही जो हम वापस उस पे कैरेक्टराइजेशन वाली बात पे आऊंगा कि सी बड़ी ड्यूअलिटी है एक तो ना कि इट्स अ कॉम्प्लीमेंट आल्सो जब आप कैरेक्टर में रहते हुए कुछ करते हैं बट इट्स अ ड्यूअलिटी आल्सो कि अब आप वैसे रिएक्ट करना शुरू कर रहे हैं सो इट डिस्टर्ब्स यू तो मेरा बिहेवियर में हल्का सा एक वो चेंज आने लगा था कि रोड पे चलते हुए थोड़ा सा ज्यादा वो और फिर मैंने अपने आप से बोला कि भाई ये हमेशा से ऐसे ही होता था तुम ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो ऐसी थी चीजें तो जस्ट काम डाउन एंड फॉर मी बत्ती रियली हेल्प्ड यार बत्ती की शूट शुरू हुई थी खत्म होने पे हालांकि साला त्रिपाठी का सरनेम वहां पे भी पहुंचा मेरे साथ बट टू एक्चुअली जब हो गया उसको शेव ऑफ कर दिया सब कुछ मुन्ना का सब कुछ हटा दिया और जब मैं उत्तराखंड पहुंचा वहां के एकदम पवित्र वातावरण में वैलीज में प्योर ऑक्सीजन I was like, man, I really needed it. और बहुत अच्छा लगा यार वो सब क्लेंज आउट हो गया वो गंगा में सारे पाप धो के आया मैं वहां के अपने but it was really difficult. अच्छा मैं एक चीज जानना चाहता हूँ एक ना जनता में बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक होता है कि यार वेब और वर्सेस सिनेमा करते हैं ना वर्सेस इज अ रॉन्ग वर्ड आई गेस वेब मुझे पसंद नहीं शब्द यार है ना ये जानना चाहता हूँ वैसे इन योर रियल लाइफ IRL ये बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स In real life. Oh. वो टीडी तो अब वो तो टीडी इनको पता नहीं होगा आई एम श्योर जोमो आई डिस्कवर्ड जोमो पहले इनको पता नहीं होगा मुझे बीटी नहीं पता था यार मैं पिछले मुझे कुछ नहीं पता मुझसे मत पूछना ये सवाल फोमो तो बीटी और बैक फियर ऑफ मिसिंग आउट अरे श्रेय को हेल्प आया रुको ना बीटी इज बैक वन सेकंड वन सेकंड देयर इज अ फुल फॉर्म ऑफ लिट लिट आई थॉट आई नो लिट इज लिट इज लिट इज बट ही डजंट लिट फॉर literature I always thought lit was like a literature fest it's not like this is lit bro kya hai this is lit matlab legit lit aisa that it's a lit bro lit is legit no but as in the vibe acha so I have heard this thing goat like you guys are goat sorry wait is this connected to the football no nothing it's a goat small thing eat अरे यार अली भाई सही रहने दो भैया ये तो तुरंत नकाश पहुंच जाते बात बात विराट कोहली की फोटो एक्चुअली किसी ने ट्वीट करी थी But you know the origin of this word comes from like someone had vaguely mentioned it comes from something ऐसे football में ऐसे कुछ हुआ था कि वहाँ से वो शब्द So बहुत सारी चीजें I'll ask you what's the full form of shit No and this is legit मैं कोई गंदा शब्द नहीं है तो shit the word it actually comes from पहले जमाने में ships चलती थी they used to carry manure on the ship and it gives out carbon monoxide jiska chemical naam hai high okay right so it used to stink so they had to write on the ships ship
high in transport. Oh. And therefore, shit. ये होता है यूपी के लौंडों की खासियत पता है? अंचे यूपी में मत घुसाओ। मैं बता रहा हूँ, debate कुछ भी हो रही हो, अपने को great कैसे बनना आप बताते हैं। हम तुम्हें बताएंगे। ऐसे तो मेरे पास टट्टी का भी है, sorry to say, but वो जो जो टाट की जो आती है ना, पहले लोगों चार पाई जो चार पाई होती थी, तो पहले लोगों के पास दरवाजे नहीं होते थे, सो गांव में वो टाट लगाते थे, वो रीजन है वहां से, सो बिकॉज ही वेयर इज ही, तो वो बोलते थे अच्छा वो टट्टी में बैठे, सो दैट इज टट्टी. व्हाट फन फैक्ट, आई लव दिस फन फैक्ट. सो मिर्जापुर की जो मंडली है, सो अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, यू नो, आपको लगता है कि एज एन एक्टर अभी आप लोगों के पास बहुत सारा एक प्ले ग्राउंड और बड़ा हो गया. Definitely, and you said the right word. You're बिल्कुल correct. ये जो खेलने को मिलता है ना, in a Amazon Prime original में जो हमको मिला, not the web series, Amazon Prime original में, so it actually gives you a lot of scope, man. 9 episodes हैं, लिखाई अच्छी है, हर character के different facets हैं वहाँ पे देखने के लिए, तो वो बहुत मजा आता है. कोई weekend के figures नहीं हैं, opening के figures नहीं हैं, ये सब नहीं है. मतलब just go out there and express yourself. But yeah, you have to be legit, yaar. Matlab, varna aap aur Game of Thrones or any big show is on the same platform. Ye aasan nahi hai, ye zyada mushkil hai. Do you guys binge watch? Like, I do. Big time. So big what time. Do you do like while the this watch is going on? So kya karte rehte ho aap log saath? Matlab sofa pe baith ke. Oh, main to bata nahi sakta. Mere ko distractions bilkul pasand nahi hai. Main to bahut bada foodie hu, yaar. जो जैसे माय डिफरेंट फेज, अगर डिप्रेसिव फेज चल रहा है तो ऑल स्वीट्स विल बी देयर. ओके, ऐसा कुकीज एंड यू नो लाइक मतलब चॉकलेट्स एंड ब्लाह ब्लाह बोले तो Yeah, I think I binge watch in a way that I don't like to watch till I'm exhausted. You know, sometimes you try and push through it. So I like to, मतलब मैं कुछ देखकर I'll watch half of it and then I like to sit with it also and I like to look forward to it. Otherwise, I miss watching it. तो मैं से दो installments में देखती हूँ. And usually, unlike a lot of people who watch things in the night, मैं सुबह देखती हूँ. I like to, like if I have time. सब मतलब 6 बजे कोई web series चल रही है. हाँ, I'm a morning person, so मैं I might sleep early. ऐसा morning person. Morning person. श्रेया बेटा तुम उठ गई, जी मम्मी पूजा कर ली, अब मैं violent अपना web series देख रही हूँ. मुझे मजा आता है. I enjoy. मैं सुबह काफी, in fact, marvelous is amazing. मैंने. Yeah, like it's a breakfast thing also to watch this, you know. Yeah, I also enjoy watching with friends sometimes. Yeah. Like Game of Thrones. Yeah, like so, क्या लगता है इंडिया का पैटर्न बदलने वाला है? पहले जो आप देख रहे हैं ये सीधी खबर पीछे देखिए, आगरा में एक इंसान ने वो चमकता हुआ खंबा छू लिया टाइप, सभी सीधे दाएं दाएं मिर्जापुर चल रहे हैं. मैं 3 बजे की फ्लाइट जयपुर से मैं आ रही थी एंड आई वाज इन बॉम्बे व्हेन मिर्जापुर रिलीज्ड इन एवरीवेयर एंड आई वाज सिटिंग एंड दिस गाय नेक्स्ट टू मी, मैंने ऐसे देखा 3 बजे कि ही इज वॉचिंग मिर्जापुर एंड हमारा सीन चल रहा था. I was like one zombie on the flight, so I just sat there. And after that, after it got done, when I was moving, like when we were getting out, he just looked at me. He said, "Sweetie," I said, "Ha." I said, "Aapko acha laga?" He said, "I downloaded it. I couldn't stop like watching, and I finished everything." And to me, that is so exciting. Yeah, but बहुत binge किया है मिर्ज़ापुर को लोगों ने. बहुत ज़्यादा. भाई मेरे जो ज़्यादातर messages हैं ना, वो सारे सुबह 6:30, 7:30, 8. आपको बोली, सो नाउ यू हैव दिस प्लेटफॉर्म की अब आप लोग कुछ भी कर सकते हो, या ऐसा लगता है कि नहीं यार फीचर इज स्टिल बेटर, या इट्स लाइक बेटर? तो मतलब देखिए, उसका सिनेमा का मैजिक कोई नहीं छू सकता. और हमको लगता है, मतलब मजे की बात ये होनी चाहिए कि कुछ चीजें होती है, मतलब पैसा एंड ऑल, जैसे पंकज जी ने बोला था कि अगर मेरे बैंक अकाउंट और मुझे दोनों को रोल अच्छा लगे तो और मजा आता है. इट्स एन एनर्जी एक्सचेंज. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मोटिवेशन ना. लाइक आई थिंक वी स्टिल आवर रेम्यूनरेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया एनीवे इज अ लिटिल स्क्रूड अप, बट इट हैज टू राइज विद टाइम्स. आई थिंक इट्स फाइन. वो अलग अलग होता है फिल्मों में, कुछ फिल्मों में बहुत ज्यादा मिलता है. अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं भी है, कुछ फिल्मों में बहुत कम मिलता है. ऑफ कोर्स देयर इज द मैजिक ऑफ द सेलुलॉइड व्हिच विल नेवर लीव अस. वी ऑल एज एक्टर्स वुड लव टू डू दैट एंड वी आर डूइंग दैट एंड आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दैट. बट देन देयर इज दिस कैनवस, यू नो, व्हाटएवर यू कॉल इट. Every actor character gets to flourish. Unlike a film where you can't, even if you want to,
कितनी भी कोशिश कर ले आप इतना जस्टिस सब कैरेक्टर को शायद ना कर पाए. तो चार्ज करना तो 3.5 फिल्मों का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है आपको कि यहाँ पे 9 एपिसोड्स की बात होगी, किसी भी एपिसोड का कोई भी सीन शूट हो सकता है. सो यू हैव टू बी डैम क्लियर अबाउट योर आर्क कि ये है, इस स्टेज पे मैं ये फील कर रहा हूँ, उससे पहले ये हुआ, इसके बाद ये होगा. प्रीवियस इवेंट वाली जो बात होती है वो क्लियर होना चाहिए सबको. अच्छा, बिकॉज आप लोग सोशल मीडियम पे अभी इतना बड़ा नाम, ऑब्वियसली पहले से आप लोग नाम हो, बट अभी और मैंने तो अभी ज्वाइन किया है. मैं वही पूछने वाला था आपसे कि हर्षिता का और श्रेया का तो मतलब मैं देखता हूँ ये लोग तो बहुत भी करते हैं, मतलब भर का करते हैं, जितना जरूरी है उतना कर देते हैं. सो मतलब अभी कितना सीरियस लेते हो आप इस वेब प्लेटफॉर्म, बोलूँ मैं, मतलब इस चीज को आप कितना सीरियस लेते हो कि नहीं अभी हैव टू बी द वन इंस्टाग्राम और वो एक स्टोरी कर. यार देखो, मेरा तो अभी वो हनीमून फेज जो होता है ना शुरुआत वाला, तो अभी तो मेरा इंस्टा के साथ वो चल रहा है, तो मैं चीजें कर रहा हूँ, श्रेया से पूछता हूँ स्टोरी कैसे करनी है, अच्छा इसमें किसी को टैग करना होता है तो कैसे करते हैं, तो मेरा वो चल रहा है. तो हैप्पी हूँ, लेकिन हाँ आई एम स्टिल नॉट, आई एम नॉट समवन हूज कंपल्सिव कि यहाँ पे आते आते ऑन द वे गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, वो नहीं होगा. तुम्हारी जो आर्मी बैठी है ना मैडम, आधा पोस्ट कर देती है पूरा सब, वो अलग है. वो मतलब दे आर डूइंग वर्क ऑन बिहाफ ऑफ के अपने भक्त हैं. वो जो भक्त हैं, सबसे अच्छी बात ये है वो कह रहे हैं कि वाह दिव्येंदु और मुन्ना और डिम्पी के बीच में एक केमिस्ट्री है. और मुझको तो लग रहा था गालियां पड़ेंगी कि तुमने एक बार इसको पहले उठाया फिर पूरे क्लाइमेक्स में ऐसे उठा के. मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी कोई सीरीज आती है, प्राइम ओरिजिनल सीरीज आती है, तो ये स्टोरीज और थीम फैन बेस्ड स्टोरीज अपने साथ निकल के आती है. सबका अपना एक सोचना है, सबका अपना एक बहुत तरीका है. सो आप अगर कुछ नहीं भी सोच रहे हो तो मुझे लगता है कि अब राइटर्स को बहुत सारा हेल्प मिल जाता है. मैं तो चाहिए उनका, ये लोग खुश कैसे हैं, ये लोग खुश कैसे हैं, मुझे तो लगा झुंड में गालियां पड़ेंगी कि ये लोग. बट आपको लगता है कि हम लोग अभी भी इम्यून है वैसा, यार इस हीरो को यार कुछ मिला नहीं है. या जैसे जब मैं कभी पर्सनली बता रहा हूँ, डबल रोल देखता था, कोई मर जाता था तो मुझे दुख होता था, अरे यार इसको मरना नहीं चाहिए, अरे यार इसमें. बट यार वो स्टोरी टेलिंग में तो होना ही चाहिए ना, जिस दिन वो खत्म हो गया उस दिन हम जैसे स्टोरी टेलर्स का क्या होगा. इतना भी इंटेलिजेंट ऑडियंस नहीं चाहिए, वी वांट योर रियल इमोशनल जो भी होता है वो निकल के आना चाहिए. And you know it's nice that लोग जब feedback भी देते हैं, मतलब along with तारीफ उनका एक critique भी होता है. And they take time out to you know tell you इस episode में भी felt कि ये होना चाहिए था. And it's nice that even beyond just experiencing something, people you know are involving themselves. Who's your critique? Like apart from your mom, dad. Yeah. Is there anyone जिसको आप सोचते हो कि यार ये मैंने किया है और इसको भेजती हूँ? Yeah. So I have a couple of friends who will not mince their words. अगर कुछ अच्छा है तो वो बोलेंगे. Or they would you know they'll tell me as हम बाद में बात करेंगे. She'll go to technicality. She's been a theater actor for 9 years. Oh, right. So voice and all, she'll go in that technicality. So that's why she. The parents are here always your biggest critics in that. Oh, sense. My papa loves everything. She will love everything. Is there anyone जो आपको personally ऐसा बोलते हैं या आप अपना काम उनको भेजते हो, दिखाते हो और बोलते हो कि यार देखो मैंने कैसे. मेरे यहाँ बहुत इक्का दुक्का friends हैं, वो और वो industry के नहीं. ये बहुत important है मुझे. वो industry से ना बता, इसलिए कुछ ना कुछ बोल ही देंगे. In fact, like my friend works down 2 blocks, you know, which is there, Alap, all these guys. Their opinions really matter. Rich also had something to say. So. Sometimes I think you yourself can be very, you're very harsh on yourself as well, so you lose objectivity. So it's nice to take feedback
from your industry friends and from people who are not because we get stuck in a bubble. I always feel that bubble ban jata hai. Ab ye abhi jo ho raha hai na ye ek I want to step out of it and see. Mere ghar mein jab bhi parties hota hai, it's one thing is very clear ki bhai yahan filmon ke bare mein koi baat nahi karega. Aate ye mat puchna aur kya chal raha hai, tum batao tum kya kar rahe ho. Filmon ki baat nahi hogi. Let's do good photography over drinks and food. मतलब मजे की बात करो, बेतु की बात करो, फ्री होना चाहिए. हाँ, वो बात बेतु की बातें होनी चाहिए यार. It's very tiring to make sense all the time. हमें नहीं बुलाएगा भी घर की पार्टी. कब बुलाओ कभी हवेली में? हाँ, बुलाओ कभी हवेली में. दिल्ली वाली हवेली की बात है. हवेली. But मैं ये जानना चाहता हूँ कि वही मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि आपने शायद I don't know कि जब actors like you मुझे ऐसा लगता है आपका दिमाग बहुत रुकता ही वो खो गया. हाँ, तो वो जो दिमाग आपका थकता नहीं है रुकता नहीं, आपको लगता है कभी-कभी कि आप यार के लिए problem compulsive बिल्कुल भाई रात को सोते चुप हो जाता है क्या क्या कर रहा है तू. Yes, यही सब takes, यही चलता है कि बंद हो जा सो जा आप, ठीक है, दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी अगर तुमने उस शॉट में ये ना करके ये कर दिया, दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी. नहीं सोने देता यार. और मुझे मतलब पहले तो जब आप प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, आई एम श्योर सारे एक्टर्स के लिए होता है, पहले 3-4 दिन तो जहर होते हैं यार. रात को सोने ही नहीं देते. अलार्म से हमेशा पहले उठता हूँ 5 मिनट ऐसे करके. हाँ, हम नहीं अभी है अलार्म खुद बंद करना है, कुछ हो ना जाए. अभी तक वो डर अच्छी बात है, वो डर है, बट यार अच्छा मतलब दिल करता है कभी कभी कि कुछ हो के ऐसा बंद हो के दिमाग बटन होना चाहिए बंद करने का. या मैं अली, डू यू फील लाइक द सेम थिंग, लाइक कैन यू रिलेट कि ये जो बोल रहे हैं कि आपका भी दिमाग आपको परेशान करता है यार. अली भाई आप कहाँ जाते हो, दिव्यंदु भाई आप कहाँ जाते हो, हर्षिता आप कहाँ जाते हो, या क्या करते हो जब आपको कोई पहाड़ों पे निकल जाता है हैशटैग बॉन्डलर्स ट्रैवलर, मतलब आप लोगों का क्या है? ये करूँगा मैं सही. अरे भैया आपको तो हैशटैग दिखने पड़ेंगे अभी. इसको गुरु बना लीजिए. हाँ, ये है, ये मेरी नोबडी यूजेस वांडरलस्ट एनीमोर. अभी वो इट्स नॉट चला गया. अरे वो होता था एक भी, छोड़ दिया. अभी एवरीवन द वांडरलस्ट ना उनके इंस्टा बायो पे. यार बट एक बात बताओ, सबकी जिंदगी का एक ही है मैं बंजी जंपिंग करना. नेवर. I don't trust something like that. Why do people think the idea of a good life is bungee jumping? Not idea of a good life. If people love like extreme adventure sports, that's like. But that's true. That people like extreme. But do you like? Can you do it? कि एक रस्सी के सारे कूद जाओ नीचे. यार I love scuba diving. मुझे वो है. उसमें भी मतलब मैं ऐसा नहीं कहता दुनिया को चिल्ला चिल्ला के अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया. अरे अपने लिए करते हो यार तुम. बंजी जंपिंग टुडे आई फेल्ट समथिंग नाइस एंड समथिंग आई वांटेड टू से फॉर सो मेनी इयर्स केम आउट एंड मेरे कुछ वो बेतु के दोस्तों को मैं बुलाता हूँ और खूब बेतु की बातें होती हैं. हाउस पार्टीज एंड जब थोड़ा ज्यादा मौका मिल जाए तो जहाँ भी आप निकल सकते हैं ट्रैवल के लिए आप उधर निकल जाइए, वो सबसे बेस्ट. कहाँ गए ट्रैवल के लिए आपने? यार बहुत सारी जगह पे ट्रैवल कर लिया. मुझे यूरोप बहुत पसंद है, तो अगर मुझे पसंद आता तो मैं यूरोप निकलता हूँ सबसे ज्यादा. एंड या यूरोप है, मैं यूरोप जाता हूं. माय यूरोप, नहीं मतलब इट्स अ बैकपैक वाला ही वो होता है, इट्स एयरबीएनबी वाला पूरा सीन होता है. बट यार इट्स सच अ नाइस ब्रेक टू गो देयर एंड जस्ट एंड आई लव ईस्ट यूरोप. यार ईस्ट यूरोप की जो डिस्टर्बेंसेस, जो गॉथिक और ये सब जो है ना, वो बहुत ही मजेदार है. मैंने गलत पूछ लिया मुन्ना भैया से, मुझे लगा था बनारस बोलेंगे, यूरोप बोल दिया. नहीं बट गोवा, जब यहाँ कुछ ना हो पाए तो खट से गोवा जा सकते हैं, वो एक अच्छी चीज है. नहीं नहीं, बट अली मैं अब या तो मैं ट्रैवल करता हूँ या फिर मैं आई एम अ मूवी बफ. मैं तो अकेले निकल जाता हूँ पिक्चरें देखने. मैं बहुत शिद्दत से पिक्चरें देखता हूँ. कहाँ जाके आप थिएटर में जाते हो? थिएटर में चला जाऊंगा अगर थिएटर में लगी है, या फिर क्या कहते हैं
घर पे मतलब मैं बिफोर ऑल दिस आई वाज प्रोबब्ली द पायरेसी किंग इन द ईयर 5 to 2008 सॉरी आई एम नॉट इट्स अ बैड थिंग नहीं वो हॉलीवुड के फिल्म्स आते ही नहीं थे यार यहां पे सो मेनी यूरोपियन फिल्म्स जो आते थे उनको स्कॉर्सेसी की फिल्म में हमारे सेंसर बोर्ड को लगता था ये चीज ठीक नहीं है काट दो वही मुझसे वो पचाया जाता था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था कि आप लिप सिंक पे ना हिंदी डबिंग मिटा नहीं पा रहे नहीं यार वो ऐसा बोलो तुम चलोगी तो अलग जाता थोड़ा मुझे लगता मजा भी नहीं आया ऑडियंस को इन एंड वी यूज्ड टू लाइक वॉच द वेट फॉर द अवार्ड्स सो वी वुड लाइक टू वॉच द फिल्म्स बिफोर यार मुझे अपनी अच्छी चाय कॉफी चाहिए वहाँ पे आई वॉन्ट गुड कुकीज मतलब सूट ही नहीं पहनता वरना गुड ब्रेकफास्ट कम मार्च व्हेनेवर द ऑस्कर्स दिस टाइम आल्सो प्लीज कम होम इनवाइटेड बिल्कुल nice यार बहुत अच्छा लगता है जब एकेडमी मेंबर हमारे साथ बैठे हैं जस्ट आज ही उन्होंने स्टोरी पे डाला मैं ज्यूरी वो यार वो थोड़े अब वो दिन सो नाउ यू विल जज ऑन दैट नाउ यू विल जज पीपल अली नाउ यू विल जज व्हेन डू यू जज पर्सनली पूछ रहा हूं मतलब ऐसा बताओ आप लोग बैठते हो और जज करते हो ह्यूमंस डू यार या आई मीन बहुत ज्यादा नहीं लेकिन मुझे कभी कभी ऐसे जो मैं बंजी जंपिंग वाली बात करती तकलीफ होती है इन चीजों से यार मुझे ऐसा होता है क्या होता है बंजी जंपिंग आई टेल यू व्हाट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मतलब जो चीज आप कर रहे हैं ना उसको एक तरीके से शेयर करना मतलब दूसरों के लिए ये मत बनाइए कि अगर आपने नहीं किया तो आपकी जिंदगी में खामी ऐसी है वो पता है वो सब पे रिस्पांसिबिलिटी है फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू दैट उस इंसान के लिए एक्चुअली बंजी जंप करना बहुत नहीं मैं कह रहा हूं करो लेकिन डोंट से कि गाइस अगर तुमने नहीं किया तो लाइफ नहीं जी बट दैट्स व्हाट कई बार क्या होता है ना वो इतने प्रेजेंटेबल नहीं होते मतलब नहीं भी शायद वो ऐसा हो मुझे दिक्कत है क्योंकि एक बैंक क्लर्क जाके बंजी जंपिंग करके आए तो उसके लिए शायद इट्स अ बहुत बड़ी बात है मतलब आप समझ रहे हो वो 9 to 5 में 1 बजे उठ के लंच करने जा रहे हैं उसकी जिंदगी में कुछ नया नहीं हो रहा और सडनली वो बंजी जंपिंग करके आ रहा है सो ये बट बैक टू दिस मिर्जापुर थिंग आप लोग अभी आगे क्या देख रहे हो बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपके छोटे भैया और वो सारी चीजें बहुत सारी चीजें हैं जो जनता को पता चलेंगी सीरीज में बट जो सीजन 2 है शायद आपके दिमाग में प्रिपेयर हो चुका है या कुछ ऐसा है कि अब इसमें कुछ अलग नहीं यार अभी तो कुछ भी I think किसी के भी हाँ किसी ने शुरू कर दिया है। I'm really looking forward to my track on the. I'm very excited. You're very excited. Very. Okay. So that's a character to watch out for. Season 2. Yeah. I'm just gonna be the best. Radio.